अरे गाइस, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर भी देखना है, अल्फा भी देखना है। टॉपिक हमारा अल्फा होगा, लेकिन ठीक है, कुछ बनाते हैं। अभी मैंने वन क्लिक कर दिया, सिंपल सा पार्ट टी एडिट। ओके, स्पेल लेना आप लोग आता है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे चीज़ों का ऐसे बनाना है कि मैं इसका एक और कॉपी ले सकता हूँ। तो मेरे पास डुप्लीकेट का एक ऑप्शन होता है, डुप्लीकेट लिया, मूव कर दिया मैंने, मूव मूव से यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो जो मेरे पास एक बेसिक शेप जो आ रहा था, मैं बेसिक शेप ऐसे दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। ड्रॉप बैग, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अभी इन दोनों को जोड़ना है। अभी जोड़ने का अलग अलग ऑप्शन होता है, जैसे माया में कंबाइन होता है, यहाँ होता है मर्ज, ठीक है। तो ढूंढने यहाँ पे भाई मर्ज वर्ज का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे मर्ज, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है दिस वन, ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, ठीक है, आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज मर्ज मर्ज, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्प्लिट दिख रहा है, मर्ज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया मर्ज दिख रहा है। अभी समझो ये प्रोसेस क्या होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो चीजें होंगी, आपने मेक पॉलीमर स्टडी किया कि नहीं किया, कई लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेक पॉलीमर क्लिक करते ही चीजें गायब हो जाती है, तो बच्चे सरप्राइज होते हैं, अरे सर मैंने तो सब कुछ किया था, कहाँ गायब हो गया है, समझना पड़ता है, ठीक है। ये इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये नीचे आता है क्या, आ गया। इससे थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाओ, अप एंड डाउन करने के लिए, यस, ठीक है। मर्ज डाउन किया, यहाँ पे मर्ज में चीज बहुत अच्छे से लिखा होता है भाई, ये अनडूएबल नहीं होगा, मतलब अनडू तो नहीं होने वाला है। ओके ओके, अब यहाँ पे क्या, प्लीज सिलेक्ट अ पॉलीमर सब टूल एंड ट्राई अगेन। तो मतलब इसमें क्या बता रहा है कि भाई अभी आपका जो एक पार्ट है यहाँ पे, मैं चीजों को कवर अप करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर यहाँ पे मेक पॉलिमर 3D करना पड़ेगा। मेक पॉलिमर 3D करते हो गैप, डोंट वरी, ठीक है, वो कंडीशन है भाई, बिना उसके कि हम लोग आगे जा नहीं सकते। भाई गेट है, गेट के अंदर जाना, तो मेक पॉलिमर 3D करना पड़ेगा। ये स्कल्प करोगे तो दिखेगा यहाँ पे ना, तो कंट्रोल जेड कर दिया, कोई दिक्कत है, मैंने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करके मैंने मूव कर दिया, मैं कहा आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर एक चीज और भी है, बच्चे ढूंढते हैं ये नया पाइवट, तो यहाँ पे ऊपर कैसे आएगा, तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज को हम धीमे धीमे देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पार्ट एड ऑन कर दिया, ठीक है। हम लोग बना रहे खाते पीते घर का कार्टून, तो मोटा डमी रेडी स्टार्ट, है ना, ये कर दिया हमने यहाँ पे दिस वन। अब इसको सिलेक्ट करो, मर्ज करने का ऑप्शन देखो, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन कर दिया। शिफ्ट एफ, मर्ज डाउन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोनों आपस में जुड़ गए, साथ हो गए बस, ठीक है। लेकिन मुझे मैश को जोड़ना है, तो मैश को जोड़ने के लिए मैं पे क्या करने वाला, मैंने कहा शिफ्ट एफ, ये कर दिया मैंने पे। यहाँ पे मैं अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाकर मुझे यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट में मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे जेड जिमेसर है, तो मैश को ठीक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायनामाइज है, ठीक है। डायनामाइज का मोटिव क्या है, दो चीजों को एक ऑब्जेक्ट बना देना। अभी मर्ज हुआ था, मर्ज मतलब दो चीज एक ऑब्जेक्ट बन गए, मैसेज ठीक नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों में समझना के बाद में पूछना नहीं कि सर ये कहाँ फंस गए हम लोग। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों का मैस अलग अलग नजर आ रहा है। यहाँ से मैंने डायनामिक्स क्लिक किया, डायनामिक्स अभी एक हो गया, क्लियर हुआ। तो आपको दो मैस को अगर एक मैस में कन्वर्ट करना है, तो आपका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एड ऑन करने के बाद मैं देखो भाई मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके यहाँ हम लोग एक और ऑप्शन यूज करते हैं, एक्स ऑन कर दो, एक्स मतलब सिमेट्री। यहाँ से आप सिंपल सा पार्ट है, ड्रॉ साइज है, एस प्रेस करो और देन आप साइज बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस किया आपने, ओके स्मूथ कर दे, तो आपको लगेगा नहीं भैया कभी अलग ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैनेज कर दोगे, देखो। तो अभी देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया, आप कर सकते हैं। ये कलर मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, तो मैंने दूसरा मटेरियल डाल दिया, मटेरियल चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, ओके। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, दो चीज मैंने यहाँ पे लिया। अभी मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे एक दो चीज और हो, कार्टून ही क्या, तो हम लोग अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए मैंने एक और काम कर दिया, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाकर मैंने एक स्पेयर और ले लिया, स्पेयर लिया, स्पेयर लिया, वापस आ गया, मैंने कहा वापस आ जाओ, ठीक है। सेफ प्रेस कर दिया, साइड में गए, मूव ब्रश लिया, मूव की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे क्या, मैंने इसे स्केल कर दिया, मैंने कहा चलो छोटा कर दिया यहाँ पे, सिर्फ प्रेस करते फ्रंट पे आ गए, मैंने कहा भाई काम करते इसे ऊपर करते, मैंने आ जाए। अभी एक आंख बना नहीं, एक आंख बना सकते हो, दो आंख बना नहीं, दो आंख बना सकते हो, ठीक है। मैं पहले इसी पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, अभी आंख दोनों एक जैसे ही बनानी थी, एक जैसे बना लेंगे यहाँ पर। आंखें बनानी कैसे, आइस का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मैं अगर आंखों में ब्लिंक करने वाला बना, तो ब्लिंक करने वाला बना सकता हूँ। सिंपल एक आंखों पर मुझे चीजों को मैनेज करना था, वैसे बना सकता हूँ। इसके अंदर मेरे को शेप देना है, तो शेप दे सकता हूँ। तो मेरे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट है क्या, यहां से मैं चीजों को मैं क्या मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे अल्फा है, ठीक है, अभी अल्फा का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैंने लिया ड्रैग, यहाँ से मैं अल्फा अगर यूज करता, अल्फा में मैं यहाँ पे चीजों कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है।
मैंने अभी क्लिक एंड ड्रैग किया था, देख रहे हैं कुछ बेसिक शेप नजर आ रहा है, बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है। कंट्रोल जेड कर दो और इसको मैंने क्या कर दिया, डिवीजन दे दिया, कंट्रोल डी, एक कंट्रोल डी दो, ठीक है। कहाँ पता चलेगा, ज्योमेट्री के पास, ज्योमेट्री के पास का डिवीजन यहाँ पे आकर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे बेसिक से इतने दे सकता हूँ, बेसिक से इम्पैक्ट में देने के लिए यहाँ पे करो भाई। ऐसा आंखों को अलग अलग सिस्टम भी होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक आपको एक नया टूल भी बताता हूँ, जैसे अभी ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये आपका साइड से बाहर हो गया, ये बाहर होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे चीजों को मैं एक बार अंडू करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, वन क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, रिपीट वन, रिपीट वन, मतलब वन प्रेस करके वही कमांड रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। आपने वन प्रेस किया तो रिपीट कमांड है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने कहा चलो एक काम किया, मैंने ऐसा कुछ मैंने मैनेज कर दिया, ठीक। अभी यहां से मैं चीजों को थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया, चलो ये मेरे पास एक ऑप्शन आया, मैं चाहता हूँ मुझे कलर पेंट भी करना है, तो कलर पेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ एक साथ दो कलर, एक साथ दो काम हो जाए, वापस चलते हैं अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ पे एक आरजीबी करके ऑप्शन होता है, होता है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या, चलो भाई मैंने यहाँ पे लाइक रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब रेड करते क्या, सब ऑल सब पे रेड आ जाता है। मैंने क्या किया, कलर में जाकर मैंने इसे डिफाइन किया, भाई इस पे ही होना तुझे, फिल ऑब्जेक्ट किया, अब वापस व्हाइट पे आ गया, तो इसी पे आया। फिर से समझो, समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, रेड कलर लेके उसे फिल ऑब्जेक्ट करते, फिल ऑब्जेक्ट करते उसमें वही कलर आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने कहा भाई रेड इज ज्यादा नहीं, लाइट देता हूँ, वापस गया कलर पे, गए फिल ऑब्जेक्ट आ गया, वापस वही पा जाओ, ये आ गया। अभी मुझे यहाँ पे आंखों को जो कलर देना, मैं मुझे लगता है मुझे भाई यहाँ पे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जैसा कुछ ब्राउन ऑन करके लेके चलता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो एक साथ कलर एंड मॉडल दोनों आ रहा है क्या, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा चल मुझे अच्छा कलर नहीं लग रहा, मैंने कहा डार्क में चलते हैं, और डार्क में, कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने अभी चीजें किया, तो यहाँ पे मॉडल भी हुआ और आपका टेक्सचर भी हो गया, ठीक है। तो मैंने अंडू किया, मैं कहा नहीं ये कलर भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या अलग अलग चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कि देखो ये जो पार्ट है वैसे यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ से एड ऑन कर दिया, आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये मैंने पार्ट कर दिया, और अभी वापस मैं गया इधर, ध्यान से देखो तो मेरे सामने एक बेसिक शेप है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने किया अभी यहाँ पे, जो मैंने इधर टिल्ट किया, अंडू करता हूँ, ठीक है, यहां से मैं मैनेज करता हूँ, फ्रंट टेक्निक क्लिक किया, एमएस ऐसा है, आप ऐसा भी करना चाहो ऐसा कर सकते हो, किस में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बेसिक्स में ही हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, एंड देन मैंने वन प्रेस कर दिया, वन प्रेस कर दिया, गॉट इट, ये पार्ट आ रहा है, यहाँ से मैंने ये मैनेज कर दिया पे। ओके, मैंने सिंपल एक आइस ऐसा अलग से सेट कर दिया, मैंने ब्लिंक वाला नहीं किया, आगे वाले क्लास में वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मूव पे किया, मूव पे जाकर मैंने कहा भाई इधर आ जाओ, ठीक है, ये इधर सेट कर दिया पे, सिर्फ प्रेस करके इधर सेट कर दिया, मैंने कहा भाई इधर आओ, यहाँ से मैंने दिखाना, बस टच कर देना, कार्टूनिंग में हम लोग कई ऐसी चीजों को मैनेज करते हैं, मैंने मैनेज किया, चलो ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, फिलहाल में मैं इस पर काम करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से जैसे बस होल में देखने वाला, यहाँ पे ज्योमेट्री है, सब टूल है, सब टूल से जाके मैंने यहाँ पे क्या डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डिफॉर्मेशन पे गए, एंड यहाँ से मिरर का ऑप्शन होता है, तो मिरर अगर देखें यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज और बताता है यहाँ पे कि जब आपके पास डिवीजन हो, एक दो तीन डिवीजन दिया है, तो वो डुप्लीकेट नहीं होने वाला है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर जाओ, यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, ये डिलीट लोअर करना पड़ेगा, डिलीट लोअर, ठीक है, क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी वापिस आ जाओ इधर, डिफॉर्मेशन पे गए, और डिफॉर्मेशन पे जाने के बाद मैं पे क्या करता हूँ, मैंने कर दिया मिरर, हो गया क्या, एक पार्ट में भाई मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया कि भाई ऐसा कुछ दिखा दे, तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी चलो यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रॉप पे गए, यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक स्विच कर दिया, मतलब एक से किसी एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, अभी यहाँ पे मुझे अल्फा नहीं लेना, मुझे दिखाना है यहाँ पे, मैंने जो दूसरा एक अल्फा लेना है, यहाँ से पॉइंटेड सी लाइन ये लिया मैंने, यहाँ पे फ्री हैंड लिया, एंड देन देख रही है, अभी यहां से मैं देखो आपको मुझे आपको क्या काम करना, मैंने देखा भाई मुझे यहाँ पे फ्री हैंड में दिया, मैंने यहाँ पे फिर डॉट पे किया, तो डॉट पे ऐसा आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जेट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और देन मैंने इसको थोड़ा सा और मैनेज करने की कोशिश की, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीजों को आप देखोगे ना मजा आएगा क्या। ये किया मैंने, मेरे पास एक शॉर्टकट है जिसे बोलते हैं वन वन वन, जितनी बार करना करो, ठीक है, और फिर आप सिर्फ प्रेस करोगे, सिर्फ प्रेस करने के बाद आपका साधन, अभी आरजीबी की नीड नहीं है तो आरजीबी ऑफ कर देते हैं, सिर्फ प्रेस किया 100% है, नहीं 100% नहीं करना, सिर्फ टाइम स्मूथ बनेगा,
है, अल्फा के बिना भी मैं काम करना हो तो मैं ऐसे भी काम कर सकता था, गॉट इट। तो अगर मैं एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पे, है पॉसिबल? बेसिक से पार्ट, कंट्रोल डी कर दिया एक डिवीजन, और स्मूथ हो जाएगा। डिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, स्मूथली। आईज बना दिया, लिप्स बना दिया, अभी दो हाथ दो पाँव बनाने हैं। अब दो हाथ दो पाँव कैसे बनाने हैं? लाइक सिंपल सा पार्ट, अगर मैं यहाँ पे चीजों को दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज कैसे होनी चाहिए? वापस गए ज्योमेट्री पे, गए ज्योमेट्री पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब टूल पे गए, सब टूल पे आके मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके मुझे सिलेंडर लेना है। सिलेंडर जो लूंगा पतला मोटा मैनेज करना पड़ेगा, तो जाकर चीजें बहुत बेटर दिखेंगी, नहीं तो वो दिखने वाला नहीं है। तो सिलेंडर लिया मैंने, पे सिलेंडर बहुत बढ़िया मजेदार दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया नीचे, पहले बेसिक सी सीखो, बाद में जाकर एडवांस पे काम करेंगे, ठीक है। लंबा करना है लंबा कर दो, यहाँ पे एक मुझे लगता है ऐसा पाँव बनाना है, इधर जुड़ा हुआ। ये सब माया में करोगे ना, माया में फंस जाओगे। ये तो ओके सर, ये माया में तो हम लोग इतना टाइम लगता है, मैं टोपोलॉजी सब बनाने के लिए, यहाँ पे तो ये ऐसे ही मजेदार बन रहा है यहाँ पे। ये काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या कर सकते हो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं डिसीजन दे सकता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी है मस्त मैनेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद फिर से हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा भाई, डुप्लीकेट करेंगे तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिलीट लोड नहीं किया, ठीक है। यहाँ से मैं गया ऑफिस डिफॉर्मेशन में, ऐसी चीजों को बनाऊंगा मजा आएगा, रोज एक एक चीज बनाऊंगा, कहूंगा अरे वाह क्या चीज सीखा मैंने पे, है पाँव बन गया हमारा। अभी छोटी छोटी चीजों को बनाऊंगा ना, कह रहे यार क्या बढ़िया सी चीज नजर आई थी पे, धीमे धीरे करेक्टर का लुक एंड फील आने लगा, है ना। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट कर दिया, ऑप्शन है मेरे पास मर्ज डाउन का, कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, फिर से मैं गया इंसर्ट पे, गया इंसर्ट पे जाने के बाद, हेलो इंसर्ट 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 पे गया, मैंने कहा सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर लिया मैंने, बस सिलेंडर लिया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ओवरऑल स्केल, अभी हाथ और पाँव थोड़े से थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं भाई, हाथ थोड़ा पतला होना चाहिए, पाँव तो मोटा हो गया, ये मैंने तो ऐसा कर दिया, तो मैंने ये मैनेज कर दिया, इज इट पॉसिबल? ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया ड्रॉ पे, गया कंट्रोल डी कर दिया, डी कर दिया, डी कर दिया, इसे मैं थोड़ा सा और क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे जब मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो एक्स नहीं आ रहा होता है, क्यों नहीं आ रहा होता है? देखो एक्स अगर आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पे देखो एक्स कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ लोकल सिमेट्री है, लोकल सिमेट्री में आ रहा है, तो अभी आपको लोकल सिमेट्री का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। यहाँ पे लोकल सिमेट्री से क्या हुआ, यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा, तो भाई मुझे यहाँ पे कुछ मैनेज करना है और मुझे काम थोड़ा सा बढ़िया से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है, अभी मैं आपको एक कॉस्ट सिमेट्री बताता हूँ। ओके ट्रांसफॉर्म पे गए, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मुझे मिलेगा सिमेट्री, एक्टिव सिमेट्री है, यहाँ पे एक आर है, आर मतलब रेडियल, रेडियल पे गए, यहाँ से एक्स नहीं करना वाई करना, वाई पे, ठीक है, दिस इज गुड। इसका मतलब समझो, रेडियल मतलब मेरे पास रेडियल वाली सिमेट्री आ गई। मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा, देखा यहाँ पे ये मैंने हल्का सा कट कर दिया, देखो हल्का सा स्कल्प करो, ये देखो मैनेज हो रहा है, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ऊपर नीचे मैं तो मैनेज कर दूंगा। आइडिया मिल रहा है? मैंने बताओ देखो यहाँ पे मैं स्कल्प करो तो मेरे पास चेट ऐड करना है, मैंने भी देखो है पॉसिबल, ये पार्ट मैंने ऐसे निकाल दिया और ये पार्ट मैंने यहां से निकाल दिया, मस्त बढ़िया सा मजेदार, ठीक है। बेसिक तो हमने काम कर दिया, भाई तो मुझे मैनेज करना है स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये मैनेज कर दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, ओके स्विफ्ट एंड स्मूथ मैनेज कर दो, बेसिक का सेव दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से मैंने लिया ओके। अभी ट्रांसफॉर्म में जाके मुझे यहाँ पे क्या, रेडियल सिमेट्री को कर दो ऑफ, यहाँ पे मैंने किया रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे। अभी हाथ कहाँ देना है ये आपको समझो, ठीक है, हाथ आपको यहाँ देना, आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है, एक्स ऑफ कर दो फिलहाल में, ठीक है, आपको यहाँ पे सेट करना, यहाँ पे सेट कर दो, आपने यहाँ पे चीजों को मैनेज करके दिखाया, जस्ट काइंड ऑफ थॉट हमें चीजों को दिया, भाई मेरे पास ऐसा है। मैं थोड़ा सा चेंज भी किया यहाँ पे हल्का बीच में, देखा है हाथ मुड़ता भी है वैसे बहुत छोटा सा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगा, मतलब भाई ऐसा कुछ कर दिया मैंने, गॉट इट। अभी यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे चीजों को कैसे मैनेज करना है, या तो मैं इसको थोड़ा सा और अंदर कर दूँ फिलहाल भाई, ओके ये मैंने कर दिया, सेम चीज यहाँ पे क्या काम करना है आपके, यहाँ पे ज्योमेट्री में गए डिलीट लोअर, ठीक है, मजेदार बढ़िया बन गया हमारे पास यहाँ पे। अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब टूल पे गए डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट याद रखना, डिलीट बटन मत प्रेस कर देना, डुप्लीकेट और डिलीट आस पास ही है, गलती से डिलीट हो गया तो वापस नहीं आना है, डुप्लीकेट। देन हम लोग कहाँ गए, डिफॉर्मेशन पे गए, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर कर दिया, मजेदार आ रहा है, अब भी मेरे कैरेक्टर का लुक एंड फील आ रहा है, ठीक, कार्टूनिक लुक हम लोग दे सकते हैं अभी, ये दिया हमने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट हमने मैनेज किया। और मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पर गए मर्ज डाउन, ओके इजी करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मर्ज डाउन, ओके मर्ज डाउन, ओके एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से आते हैं डायनामाइस में, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ज्योमेट्री में गए, डायनामाइस एक बार क्लिक करो,
जैसे हम एक टाइम उसके ऑप्शन ए भी है, क्लिक करने करोगे अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जुड़ गया यहाँ पे। अभी तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। माया में ये चीज बना के देखो इतने टाइम में बनेगा नहीं, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, श्योरिटी का चैलेंज भी दे सकता हूँ आपको। ऐसे बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पे बस बढ़िया मजेदार। यहाँ आपको लगता है कि भाई मुझे दो शेप्स को मुझे मैनेज करना, तो शेप्स स्मूथ आप मैनेज कर दो यहाँ पे, ठीक है ये काइंड ऑफ। तो अभी आप इसको आराम से मैनेज करके देखो तो आपको यहाँ पे चीजें बहुत ही बेटर और बहुत बढ़िया दिख जाएगा। आप यहाँ पे चीजों को कैसे मैनेज करके देख सकते हो, आप कंट्रोल डी करोगे तो और डिविजन भी आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बेनिफिट जान तो क्या होता है, मैं जब जैसे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा एक बार और अपडेट हो जाएगा ध्यान। अगर मैं एक बार जैसे करता हूँ ना यहाँ पे देखो सेफ टैप ध्यान से देखना, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग मैं एक बार और अपडेट अपडेट हो जाता है। तो सेफ टैप यहाँ देखो। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या काम किया, बेसिक सा कार्टून कैरेक्टर रेडी कर दिया, ठीक है। तो चीजों का पैसे बना सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई आपको चीजों का कैसे मैनेज करना और किस तरह से आप चीजों को फुलफिल कर सकते हो।